ये कहानी एक ऐसी लड़की की जो ज्यादा किसी से बात नहीं करती, मगर जब वो एक लड़के से मिली तो उससे प्यार हो गया और उसके बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एंडलेस लव। तो ज्यादा देर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है जेड बटरफील्ड की, 17 साल की लड़की जिसने अभी अभी हायर एजुकेशन कम्प्लीट किया है। बहुत ही सुंदर मगर अपने किताबों से घिरी रहती थी या फिर अपने फैमिली से। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और दोस्त बनाना भी पसंद नहीं था। इस कहानी में डेविड भी है जो जेड से प्यार करता है। उनका कॉलेज खत्म हो गया मगर उसने जेड को प्रपोज नहीं किया। प्रपोज तो दूर की बात है, उसने तो कैजुअली बात भी नहीं की। डेविड का फ्रेंड मेस उसे इस बात के लिए बहुत टोकता है। अब कॉलेज खत्म हो चुका है तो डेविड और मेस एक होटल में समर जॉब कर रहे थे। इसी होटल में जेड अपनी फैमिली के साथ आती है सेलिब्रेशन के लिए, ग्रेजुएशन पास आउट होने की खुशी में। यहाँ उन दोनों की मुलाकात हुई। डेविड ने पहली बार उससे बात की। पता चलता है जेड भी डेविड को पहचानती थी। आगे हम देखते हैं जेड के फादर, जिनका नाम है ह्यू। बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है, वो सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। मगर जेड के ब्रदर कीथ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे भी ये स्कूल में उतना अच्छा नहीं है, इसलिए ह्यू इस पर ज्यादा अटेंशन नहीं देता। ह्यू जो भी कहते वही जेड हमेशा करती है। वो डॉक्टर है तो जेड को भी डॉक्टर बनना है। जेड की मदर एनी बहुत खुश थी। जेड ने नीचे डेविड को देखा और उसे एक आइडिया आया कि अगर वो पूरे क्लास को उसके घर पार्टी पर बुलाएगी तो डेविड से फिर से मिल सकेगी। इसलिए वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसे ग्रेजुएशन पार्टी देनी है। पेरेंट्स को जेड की ये बात सरप्राइज्ड कर गई, क्योंकि जेड को पार्टी वगैरह करना पसंद नहीं था। पहले तो कोई भी नहीं आया, पार्टी में सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस बटरफील्ड के फ्रेंड्स आए। इसके बाद हम देखते हैं डेविड को, जेड के स्कूल से बस वही आया है। दरअसल आज एक और ग्रेजुएशन पार्टी थी और सब लोग वहां गए हैं। इस पर जेड अपसेट होती है। जेड को दुखी देखकर डेविड कॉल करता है पुलिस को और कहता है जिस एड्रेस पर पार्टी चल रही है वहां म्यूजिक बहुत लाउड है। इस तरह डेविड ने उस पार्टी को बंद कर दिया और उसी वजह से सब लोग जेड की पार्टी में आ गए। पार्टी में इतने सारे लोग आना ये जेड के फादर को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद सब एंजॉय कर रहे थे। कीथ ने सबसे कहा कि हम सब मिलकर एक गेम खेलेंगे, हर कपल को एक डांस करना पड़ेगा। इसी डांस की प्रैक्टिस के लिए डेविड और जेड बाहर आए। डेविड यहाँ एक ओल्ड कार नोटिस करता है। ये कार जेड के ब्रदर क्रिस की थी। इसे उसके फादर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मगर ये स्टार्ट ही नहीं हो रही। इसके बाद ये दोनों वापस पार्टी में आए और दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया, पर तभी अचानक से लाइट चली गई और ये दोनों एक क्लोजेट में चले जाते हैं। किस करते हैं दोनों, जबकि बाहर सभी जेड का इंतजार कर रहे हैं। ह्यू ने जेड को आवाज देकर पुकारा। जेड डेविड के साथ क्लोजेट से बाहर निकलती है। ह्यू कहता है कि वो बहुत खुशनसीब है जेड जैसी डॉटर को पाकर। इस पार्टी में ह्यू डेविड से मिला और उसे अकेले में ले जाकर कहता है, तुम जेड के बारे में क्या सोचते हो? डेविड कहता है, जेड बहुत अमेजिंग लड़की है। जेड छिपी ये बातें सुन रही थी। डेविड के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई है वो। जब डेविड जाने लगा तो जेड अपने फादर से छुपकर डेविड को रास्ते में मिलने गई। उसे किस करते हुए अपनी खुशी का इजहार करती है वो और फिर तेजी से अपने घर जाने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेड डेविड से मिलने गैराज जाती है। ये गैराज डेविड के फादर का है। यहाँ डेविड भी कार रिपेयरिंग का काम कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड क्रिस की कार को ठीक कर रहा है। क्रिस कैंसर की वजह से कुछ साल पहले मर गया था, तब से ये कार बंद है। यहाँ सब डेविड को पसंद करते हैं मगर ह्यू है कि उसे पसंद नहीं करता। ह्यू को लगता है कि डेविड बाय नेचर अच्छा नहीं है, उसका ये नेचर जेड की एजुकेशन पर अफेक्ट करेगा। अब जब जेड मेडिकल स्कूल इंटर्नशिप के लिए जाने वाली है, ऐसे में उसका डेविड से मिलना ठीक नहीं है। यहाँ एनी डेविड को डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर पर ह्यू जेड के फ्यूचर की बात कर रहे थे और उससे पूछते हैं कि तुम हायर स्टडीज के बारे में क्या सोच रहे हो। डेविड को अब कॉलेज नहीं करना, अपने फादर के गैराज में ही काम करना चाहता है वो। उन्हें लगा कि शायद डेविड के एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर अच्छे नहीं आए होंगे, मगर उसके स्कोर बहुत ज्यादा थे। पर उसे नॉर्मल लाइफ जीना ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है, मेरी ज्यादा जरूरतें नहीं है, सिर्फ एक प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए। ह्यू ने कहा, सिर्फ प्यार से कुछ भी नहीं होता, लाइफ में प्यार के साथ पैसा भी इम्पोर्टेंट है। डेविड कहता है, पैसा आपकी नीड्स पर डिपेंड है, पर प्यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने उसके पेरेंट्स के रिलेशन को देखा है। वो कहता है, अगर प्यार ना हो तो कोई भी चीज़ उसकी बराबरी नहीं कर सकती, पैसा भी नहीं। जेड के मदर को ये सब बातें बहुत अच्छी लगी। जब डेविड यहाँ से जाने लगा तो जेड ने एक नोट थ्रो किया।
इसमें लिखा था कि घर की सारी लाइट्स ऑफ होने तक इंतजार करो। उधर जेड के पेरेंट्स आपस में डेविड के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यू जेड को डेविड से दूर रखना चाहता है। उसके हिसाब से जेड को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, जबकि एनी जेड को थोड़ी फ्रीडम देना चाहती है। लाइट्स ऑफ होने के बाद डेविड और जेड मिलते हैं। आज रात ये दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह जेड बताती है कि उसके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इसके बाद वो इंटर्नशिप के लिए चली जाएगी। दोनों ने डिसाइड किया कि ये इन 10 दिनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे। इसके बाद डेविड कहता है, मैं नहीं जानता कि हम कितने दिन साथ रहेंगे, पर जितने भी दिन होंगे मैं उन्हें सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जेड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों साथ में घूमने जाते हैं, डांस करते हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, साथ में रहने का वादा करते हैं। अब इनका पूरा टाइम खत्म हो चुका था। जेड उससे दूर जाना नहीं चाहती थी। वो इंटर्नशिप को जाना कैंसिल कर देती है और बाकी का समर वो डेविड के साथ ही बिताने का डिसाइड करती है। ये सब बात वो अपने फादर को भी बताती है, मगर ये सब सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं वो। उन्हें पता था कि ये सब डेविड के वजह से है। व्यू को किसी भी तरह से जेड को डेविड से अलग करना था, तो उन्होंने एक वैकेशन प्लान किया। जेड को ये सब सही नहीं लगता, पर फिर भी उसे फादर की बात माननी पड़ी। बाद में जेड ने डेविड को लेक हाउस पर अपनी फैमिली को ज्वाइन करने बुलाया। यहाँ सभी ने डेविड का वेलकम किया सिवाय ह्यू के। एनी ने ह्यू को समझाते हुए कहा कि क्रिस के मरने के बाद से अब जाकर जेड खुश दिखी है, हमें उसकी खुशी छीननी नहीं चाहिए। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तब जेड और डेविड साथ में लेक में नहा रहे थे। लंच पर ह्यू डेविड से माफी मांगते हैं। यहीं पर वैकेशन के लिए ह्यू की फ्रेंड आती है उसके पति के साथ। उसी रात डेविड ने ह्यू को देखा उसी फ्रेंड के साथ मेकआउट करते हुए। इस बात से डेविड बहुत अपसेट हो गया था। ह्यू को भी पता चल गया है कि डेविड ने उसे देख लिया है। अगले दिन उसे बात करने के लिए बोट पर लेकर गए। डेविड कहता है, जो भी हुआ ये मैं जेड को नहीं बताऊंगा। ह्यू गुस्सा हुआ। वो कहता है, कुछ भी हुआ नहीं। उसने उसे धमकी दी कि अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा बताया तो बहुत बुरा होगा। डेविड भी ऐसा ही करता है, पर सिर्फ जेड को हर्ट ना करने के लिए। अगले दिन जेड और डेविड कीत और उसकी गर्लफ्रेंड सविन के साथ हैंगआउट करने के लिए एक पार्टी में आए। इसी पार्टी में डेविड मेस से मिलता है। यहाँ डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड जेमी भी थी। वो सब रात को जू में घुसकर एंजॉय करने वाले थे। ये डेविड को सही नहीं लगता, मगर जेड जाना चाहती थी। उसके फोर्स करने से वो चला गया। सब लोग वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे, मगर डेविड और जेड को साथ देखकर जलन होती है जेमी को। वो पुलिस को कॉल करती है कि कुछ लोग जू में इल्लीगली घुसे हैं। जब पुलिस आई तो डेविड ने खुद को अरेस्ट करवाया ताकि जेड और बाकी सब बच सके। जेड घर आकर सब कुछ अपने फादर को बता देती है। जेड और एनी उसकी बेल के लिए ह्यू से रिक्वेस्ट करते हैं। ह्यू कुछ पेपर्स दिखाते हुए कहता है कि डेविड पास्ट में जेल जा चुका है। जेड ने कहा कि उसे डेविड के पास्ट से कोई लेना देना नहीं। वो किसी भी हालत में डेविड की बेल कराना चाहती है, मगर ह्यू मान नहीं रहा था। ह्यू ने कहा, मैं डेविड की बेल कराने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें डेविड से ब्रेकअप करना होगा और इंटर्नशिप के लिए जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यू ने डेविड को बेल दिला दी है। उसे कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे और जेड के बीच में था वो सब खत्म हो गया है। जेड इंटर्नशिप के लिए जा रही है। डेविड इस पर बिलीव नहीं करता। ह्यू ने कहा, तुम कभी भी जेड को खुश नहीं रख सकते। तुम कभी भी जेड के लिए इनफ नहीं होंगे। वो कहते हैं, मैंने तुम्हारी फैमिली की रिसर्च की है। तुम्हारे फादर भी तुम्हारी मदर के लिए इनफ नहीं थे, इसी वजह से उसने अफेयर किया। इस बात से डेविड गुस्सा होकर उसने ह्यू को पंच कर दिया। घर पहुंचकर ह्यू जेड और एनी को बताता है कि किस तरह डेविड ने उस पर हाथ उठाया। ये सुनते ही जेड डेविड से मिलने पहुंचती है। डेविड इस समय मेस के साथ एक रेस्टोरेंट में था। यहाँ जेमी भी आकर डेविड के पास बैठ गई। जेड ये देखकर गुस्से में यहाँ से निकलती है। उसका पीछा करता है डेविड। कहता है, तुम्हें जैसा लगा वैसा कुछ भी नहीं है। जेड कहती है कि उसे उसके फादर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। डेविड उसे मनाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं मानती तब वो जाते हुए कहता है कि शायद वो उसके लिए परफेक्ट नहीं है। जेड अब जब गुस्से में घर जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है डेविड। जब ह्यू को ये बात पता चली तो उसने डेविड के फादर को भी बुला लिया। ह्यू ने डेविड के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवाया है ताकि वो जेड को डेविड से दूर रख सके। हॉस्पिटल में जेड को रियलाइज हुआ कि डेविड कभी भी उसके साथ अनफेथफुल नहीं रहा। वो समझ चुकी है कि डेविड का प्यार एकदम सच्चा है। वो डेविड से मिलने जाती है, मगर डेविड के फादर चाहते हैं कि अब वो किसी भी ट्रबल में ना आए। जेड कहती है कि वो बस एक बार डेविड से मिलना चाहती है।
पर फादर ने डेविड के सेफ्टी के लिए उसे इनकार कर दिया। उसे कहते हैं कि तुम अपने स्टडी और करियर पर फोकस करो। इन सब बातों को महीने गुजरने लगे। डेविड और जेड अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों अलग अलग लोगों को डेट भी करना शुरू कर देते हैं, मगर इन सब में भी उन्हें खुशी नहीं मिलती। इनफैक्ट दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। एक दिन डेविड एनी से मिलता है, उसे जेड के बारे में पूछता है। वो कहती है कि जेड क्रिसमस के लिए आ रही है। एयरपोर्ट पर ही डेविड उसका वेट कर रहा था। यहाँ दोनों मिलकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। दोनों फिर से रिलेशन में आ गए। आज रात ये दोनों यहाँ से भागने वाले हैं। रात में जब कीथ और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस के कलेक्शन को सुन रहे थे, तब ह्यू ने उन्हें डांटा। कीथ को गुस्सा आ गया और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर से निकल जाता है। एनी भी उसके साथ चली जाती है। जेड ये सब देखकर कहती है कि आप ऐसे हमारी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसने ये भी बताया कि आज वो डेविड के साथ चले जाने वाली है। उन्होंने डेविड को घर के बाहर देखा तो डायरेक्टली उसे मारने चले गए। इस दौरान उनके पैरों से एक कैंडल गिर गई और क्रिस के कमरे में आग लग गई। जब ह्यू डेविड को मारने के लिए बाहर आया, तब जेड भी बाहर आकर उन्हें रोक लेती है। इस दौरान क्रिस के रूम में आग बहुत फैल चुकी है। ह्यू इस रूम में क्रिस का जो कुछ है उसे बचाना चाहते थे। जेड और डेविड घर से फ्लेम निकलता देखते हैं और डेविड ह्यू को बचाने अंदर जाता है। वो ह्यू के साथ साथ क्रिस के सामान को भी बचाने की कोशिश करता है, मगर इन सब में डेविड बेहोश हो गया। अब क्रिस के सामान को छोड़कर डेविड को बचाने लगता है ह्यू। इन सब में ह्यू को भी रियलाइज हुआ कि वो गलत था। घर के बाहर ह्यू और डेविड अपने डिफरेंसेस को दूर करते हैं। ह्यू पर सब लोग गुस्सा थे। जेड अब वैकेशन के लिए दूसरे सिटी में जा रही थी, पर इस तरह फादर को हर्ट करके नहीं जाना चाहती। उन्हें माफ कर देती है वो। एयरपोर्ट पर डेविड और जेड एक साथ है। डेविड का भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। ये दोनों वैकेशन एक साथ स्पेंड करने वाले थे। डेविड जेड को एक जगह लेकर आया। यहाँ पर कीथ और उसकी गर्लफ्रेंड शादी करने वाले थे। डेविड का यह सरप्राइज उसे बहुत अच्छा लगा। लास्ट में ये दोनों बीच पर थे। जेड कहती है कि डेविड उसका पहला प्यार था और कई मुश्किलों के बाद उसने उसे पा ही लिया। इसी ब्यूटीफुल मोमेंट पर यह मूवी एंड हो जाती है।